चलिए हम लोग यहां पर दो सेंटेंस पे फोकस करेंगे। यहां पे आप देखिए अ रेड एंड ब्लू पेंसिल है और यहां पर है अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल। इन दोनों सेंटेंसेस में किस प्रकार का डिफरेंसेस है, क्या आप बता पाएंगे? तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का डिफरेंसेस इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा तो चलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो दरअसल कैसे है, देखिए यहां पर एक बार ही सिर्फ आर्टिकल यूज हुआ है, ठीक है, यहां पर। और यहां पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल एक यहां पे रेड के पहले यूज हुआ है और एक ब्लू के पहले यूज हुआ है, यानी कि सेंटेंस वही है, अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल। अब ऐसा यूज करने से पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जो पूरा एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है। कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए, अगर यहां पे जो ये जो आर्टिकल एक बार यूज हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो पेंसिल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पेंसिल, तो ये पेंसिल ही रेड भी है और ब्लू भी है, मतलब एक ही पेंसिल का जिक्र हो रहा है। एक ही पेंसिल है जो क्या है, रेड भी है और ब्लू भी है, ठीक है। इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि एक ही पेंसिल है, सेम पेंसिल है जो रेड कलर का भी है और ब्लू भी है, मतलब उसमें रेड कलर भी चढ़ा हुआ है और ब्लू कलर भी है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि यहां पे दो अलग अलग पेंसिल है, एक पेंसिल रेड है और दूसरा पेंसिल ब्लू है। तो यहां पे आपको समझना है कि अगर आप आर्टिकल इस प्रकार से यूज करेंगे तो अलग अलग वस्तु के बारे में बताएगा, लेकिन अगर एक बार यूज करते हैं आर्टिकल का यहां पर, तो ये एक ही चीज के बारे में जिक्र कर रहा है कि यही पेंसिल है जो रेड भी और ब्लू भी है। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा कि एक रेड पेंसिल और दूसरा ब्लू पेंसिल है, इस प्रकार का एक्सप्रेशन होगा। तो देखिए, आर्टिकल का अगर हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे तो इस प्रकार से जो मीनिंग है वो चेंज हो जाया करेगा। तो ये पहला एग्जाम्पल आपने देखा है। अब उसी तरह से चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जैसे कि यहां पर एक हम लोग देखेंगे अपॉइंट एंड थिंकर, एक ये सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम लोग इसी पे लेते हैं, अपॉइंट एंड अ थिंकर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा आप बताइए। तो यहां पे आप देख पाएंगे कि यहां पर एक ही व्यक्ति है जो पॉइंट भी है और थिंकर भी है, क्योंकि यहां पे आर्टिकल एक बार यूज हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए अलग अलग है, एक पॉइंट है और एक थिंकर है, क्योंकि अ पॉइंट एंड अ थिंकर, यानी दो अलग अलग चीजें है। तो देखिए, अगर इस ऐसी सिचुएशन में तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जब एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु का जिक्र करे तब सिर्फ एक ही के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर एक ही चीज का जिक्र कर रहा है, अगर आपको करना है जिस नाउन को आप देख रहे हैं वहां पे, मान लीजिए दो या दो से ज्यादा नाउन या एडजेक्टिव है, लेकिन अगर वो एक ही चीज के विषय में जिक्र कर रहा है तो आप एक ही बार आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन अगर वो एक से अधिक के बारे में जिक्र कर रहा है तो आप यहां पर आर्टिकल का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको यहां पे समझना था। यहां पे आप समझ चुके होंगे कि यहां एक ही व्यक्ति है जो पॉइंट भी है और जो थिंकर भी है, इसीलिए यहां पे अ आया। लेकिन यहां पर अ पॉइंट एंड अ थिंकर आ गया, इसका मतलब कि एक अलग व्यक्ति है जो पॉइंट है और एक अलग व्यक्ति है जो थिंकर है। तो आई थिंक
इस दोनों एग्जाम्पल से ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंसेस है, और इसके लिए कहा गया है कि ए एन का इस्तेमाल आप जब करेंगे तो मोर देन वन नाउन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा नाउन है तो ए और एन का जब आप यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक ही नाउन के बारे में जिक्र कर रहे हैं या एक ही एडजेक्टिव के बारे में जिक्र हो रहा है किसी का, तो हम लोग वहां पे ए का या एन का यूज करेंगे एक ही बार। लेकिन अगर आप दो या तीन बार यूज कर रहे हैं, इसका यह मतलब हुआ कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नाउन है या अलग अलग चीजें हैं जिसका जिक्र आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल थे जिससे आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा था।